हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल स्टिच एंड फिट में स्वागत है। आज मैं आपको अपनी सिलाई मशीन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, इसके क्या क्या फीचर हैं। ये सिलाई मशीन मैंने 3 साल पहले ली थी और ये अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में चल रही है। ये देखिए, इसके ये विड्थ वाले स्विच हैं, ये विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा आपको पैटर्न बनाना है इसमें से। ये देखिए, ये वाले पैटर्न आप इसमें से बना सकते हैं। और इसमें बटन का भी एक पैटर्न जो है वो बटन लगाने के लिए और बटन होल बनाने के लिए भी ये बना हुआ है। और इधर आप इसकी लेंथ को सेट कर सकते हैं, आपने इसको कितना बड़ा टांका रखना है और छोटा रखना है। और इधर SS वाला पैटर्न बना सकते हैं, ये वाले पैटर्न जो है ये वाले बना सकते हैं। और ये ऐसे इसको करेंगे तो ये बैक आपका स्टिच जो है लग जाएगी। और इधर वाला जो है इसको आप ऐसे रखेंगे तो ये चलेगी, और इधर करेंगे तो ये बोबिन के लिए, ये वाला बोबिन के लिए ये हिस्से, इसमें आप बोबिन को भर सकते हैं। देखें ऐसे, और ये मशीन अब नहीं चलेगी और सिर्फ बॉबिन के लिए काम करेगी। और इधर से हमने वो जो इलेक्ट्रिसिटी आपने देनी है वो प्लग को उसको लगा सकते हैं। और ये इसका फुट पैडल है, और इसको ऐसे हम ऊपर नीचे करके पैर से, मैंने ऊपर रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, पैर से आप इसको ऊपर नीचे करके चला सकते हैं। मैं आपको इसके एक बताऊंगी कि इसको कैसे चलाते हैं। देखिए, मैं अब आपको इसको इसके चलाकर दिखाती हूँ। फुट पैडल के साथ इसको मैंने पहले ऑन किया, और ये देखिए, इसमें बल्ब का भी ऑप्शन है। आपकी अगर नज़र कमज़ोर है तो उससे आपको सिलाई करने में आसानी होगी। और ये नीडल थ्रेडर भी है, इससे आप नीडल में थ्रेड आसानी से 1 सेकंड में डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको चलाकर बताऊंगी। इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं पहले, इसको ऐसे, आपको जितनी स्पीड चाहिए तो आप उतनी स्पीड से इसको दबाकर अपनी सिलाई को चला सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।